प्रणाम, आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिनट पर सभी का स्वागत है। मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि अदानी ग्रुप आपके बिहार डेवलपमेंट विजन के साथ है। बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी बिहार में 8,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। अडानी ग्रुप के निदेशक प्रणव अडानी ने गुरुवार को पटना में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। अडानी समूह राज्य में सीमेंट, विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने निवेश को 10 गुना तक बढ़ाएगा। इससे सूबे में लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बता दें कि बिहार में अडानी ग्रुप ने पहले से करीब 850 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। पटना में गुरुवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रणव अडानी ने कहा कि बिहार अब देश में एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। अडानी समूह पहले से ही बिहार में लॉजिस्टिक, गैस वितरण और कृषि लॉजिस्टिक में निवेश कर चुका है। अपनी कंपनी के भविष्य के निवेश की योजना के बारे में जानकारी देते हुए प्रणव ने कहा कि भंडारण क्षेत्र में उनकी कंपनी 1,200 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है, जिससे 2,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके तहत जिन जिलों को चयनित किया गया है उनमें पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया शामिल है। प्रणव अडानी ने कहा कि उनकी कंपनी गया और नालंदा में शहरी गैस वितरण नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। इसके साथ ही सीएनजी और ईवी चार्जर का उत्पादन भी शुरू करने की योजना बना रही है। इससे बिहार में लगभग 1500 लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे। अडानी समूह बिहार में अडानी विल्मर को लाने पर भी विचार कर रहा है। प्रणव ने कहा कि उनकी कंपनी की 2500 करोड़ रुपए की लागत से वारसलीगंज और महावल में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना है। नीतीश कुमार ने इन्वेस्टर्स समिट में बिहार लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2023 और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। बता दें कि इस समिट में देश विदेश से 600 से ज्यादा निवेशक जुटे और उन्होंने बिहार में निवेश के लिए 2 दिनों तक मंथन किया। बिहार लॉजिस्टिक्स नीति 2023 के अनुसार राज्य सरकार औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मानक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा नाहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कमल ओसवाल ने कहा कि बिहार में हम लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहे हैं, जिसमें 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। सोलर एनर्जी और शुगर का साथ ही कई हम काम करते हैं। हमारे कंपनी में 40% सबसे ज्यादा बिहार के हैं और ईमानदारी है। गारमेंट उद्योग काफी अच्छी है, हमें इसको बांग्लादेश से सीखना है, जो कि एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मॉडल को बिहार में फॉलो करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय भारत।